नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। बहुत से लोगों का मानना है कि इंडियन सिनेमा में हॉलीवुड के टक्कर की मूवीज़ कभी नहीं बन सकती, इंडियन क्रिएटर्स कुछ यूनिक नहीं बना सकते, लेकिन आज का ये वीडियो आप सबकी ये सोच बदल देगा। इंडियन सिनेमा में भी बहुत सी यूनिक कंसेप्ट मूवीज़ या कहें कि मूवीज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन बन चुकी हैं, और आज उन्हीं यूनिक मूवीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 इंडियन मूवीज़ विथ यूनिक कंसेप्ट, या कहें कि इंडियन मूवीज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज़ के वीडियो सीरीज़ का 5th पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे सभी वीडियोज़ की लिस्ट, सिनेमा फैक्ट्स, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है मैं और चार्ल्स। 2015 में आई ये अमेजिंग फिल्म एक फिक्शियस थ्रिलर फिल्म है जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। फिल्म की स्टोरी को इंडियन कॉप अमोद कांत के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जिन्होंने इंडियन ओरिजिन फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज का केस हैंडल किया था। चार्ल्स को बिकिनी किलर नाम से भी जाना जाता है। फिल्म नैरेटिव्स के थ्रू हमें चार्ल्स द्वारा कमिटेड क्राइम्स और उसके हर एक विक्टिम की स्टोरी दिखाती है। चार्ल्स सोबराज बहुत से हाई सिक्योरिटी प्रिजन से बच निकला था और लीगल सिस्टम को भी मैनिपुलेट करता था। उसके क्राइम्स, प्रिजन से भागने का तरीका, सिस्टम को मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें ही इस फिल्म को यूनिक बनाती हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन बनाती है। इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने में लेजेंडरी एक्टर रणदीप हुडा का बहुत बड़ा रोल है। ये इंटरेस्टिंग फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 9 पर है आय। 2015 में आई ये फिल्म तमिल लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लीड स्टार विक्रम की एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और इसके यूनिक कंसेप्ट के लिए ही जाना जाता है। फिल्म का रनिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन विक्रम की परफॉर्मेंस व्यूअर्स को बांधे रखती है। फिल्म के कुछ पार्ट्स फॉरेन फिल्म्स द हंचबैक ऑफ नॉटरे डैम और ब्यूटी एंड द बीस्ट से इंस्पायर्ड है। फिल्म की स्टोरी एक बॉडी बिल्डर को फॉलो करती है जो सुपर मॉडल बन चुका है। यहाँ से उसकी लाइफ में रोमांटिक टर्न आता है, लेकिन सडनली उसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगते हैं और ये चेंजेस उसकी हैप्पी लाइफ को डार्क और सैड बना देते हैं। अब लीड कैरेक्टर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जो उसकी इस हालत के जिम्मेदार हैं। नंबर 8 पर है ट्रैप्ड। 2016 में आई ये मास्टरपीस फिल्म एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को यूनिक बनाता है इसका आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट और राजकुमार राव की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। राजकुमार राव हर फिल्म को अपनी परफॉर्मेंस से मैजिकल बना देते हैं, और ट्रैप्ड में तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। इस फिल्म का डायरेक्शन भी कमाल का है। पूरी फिल्म एक अपार्टमेंट में सेट है, लेकिन फिर भी राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से व्यूअर्स को एंगेज रखते हैं। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर शौर्य को फॉलो करती है। ये कॉल सेंटर एम्प्लॉय ट्रैप्ड हो जाता है अपने अपार्टमेंट में विदाउट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, यूनिक कंसेप्ट के नाम पर इंडियन सिनेमा में, स्पेशली बॉलीवुड में, बहुत कम ही मूवीज़ हैं, और ट्रैप्ड मूवी उनमें से सबसे बेस्ट है। तो ये अमेजिंग सर्वाइवल फिल्म आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। राजकुमार राव की परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेगी। कुछ भी हो जाए, इधर नहीं मरना है। नंबर 7 पर है गेम ओवर। 2019 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था और साथ ही हिंदी में भी डब किया गया था। इस फिल्म का कंसेप्ट और स्टोरी दोनों अमेजिंग है, यूनिक है। ये थ्रिलर फिल्म हमें लीड कैरेक्टर स्वप्ना की स्टोरी दिखाती है, जो एक यंग टैलेंटेड गेम डिजाइनर है। वो अपने पास्ट की मेमोरीज से परेशान रहती है। स्वप्ना की नॉर्मल सिंपल लाइफ में डार्क टर्न आता है जब उसे पता लगता है कि जैसा उसके फेवरेट गेम में होता है, वैसे ही वो भी एक सीरियल किलर का टारगेट बन गई है, और अब उसके पास 3 लाइफ यानी 3 चांसेस हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब इस गेम का विनर कौन होगा, जानने के लिए देखिए ये अमेजिंग फिल्म। अंधेरा हो तो 2 सेकंड से ज्यादा मैं रुक नहीं पाती हूँ कमरे में। ठीक से सोए हुए महीने हो गए हैं कलामा, आंख बंद करते ही लगता है कुछ जबरदस्ती कर रहा है। नंबर 6 पर है चेन्नई वर्सेस चाइना। ये 2011 में आई तमिल लैंग्वेज साईफाई मार्शल आर्ट फिल्म है। चेन्नई वर्सेस चाइना इसका हिंदी टाइटल है। फिल्म में लीड रोल में है सूर्या, जो हर बार अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सीलेंटली प्ले किया है। फिल्म में हम देखते हैं कि चाइना से एक पर्सन इंडिया आता है बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट करने के लिए। तब एक जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक ग्रेट एनिशंट मार्शल आर्टिस्ट बोधिधर्मा के डिसेंडेंट की हेल्प से उनकी स्किल्स को रिवाइव करके इस बायोलॉजिकल वॉर को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म का कंसेप्ट और लीड स्टार्स की परफॉर्मेंस आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। साईफाई थ्रिल के साथ अमेजिंग एक्शन भी आपको दिखाएगी ये फिल्म। नंबर 5 पर है टाइम स्टोरी। 2016 में आई ये एक तमिल लैंग्वेज साईफाई एक्शन फिल्म है जिसका ओरिजिनल टाइटल है 24। इसके हिंदी डब्ड वर्जन का टाइटल है टाइम स्टोरी। ये एक ट्रू बियॉन्ड इमेजिनेशन फिल्म है। इंडियन सिनेमा में टाइम ट्रेवल मूवीज़ वाकई कल्पना से परे हैं, और इस साउथ इंडियन सिनेमा ने इस कल्पना को सच कर दिखाया है। इस फिल्म का कंसेप्ट और स्टोरी एक्सीलेंट है। स्पेशली लीड स्टार सूर्या की परफॉर्मेंस अमेजिंग है। उन्होंने फिल्म में ट्रिपल रोल प्ले किए हैं और तीनों कैरेक्टर्स को उन्होंने परफेक्टली प्ले किया है। फिल्म में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट टाइम ट्रैवलिंग वॉच इन्वेंट करता है। उसका ईविल ट्विन ब्रदर
वो वॉच लेना चाहता है अपने ईविल मोटिव्स के लिए। सालों बाद इस साइंटिस्ट का बेटा अपने ईविल अंकल से इस वॉच को बचाने के लिए फाइट करता है। दोस्तों, इस अमेजिंग फिल्म की एक सीक्वल फिल्म 24 डिकोडेड भी प्लान की गई है। उसकी प्रोडक्शन और रिलीज डेट की डिटेल्स अभी आउट नहीं हुई है। नंबर 4 पर है इरु मुर्गन। 2016 में आई एक तमिल लैंग्वेज साइफाई एक्शन फिल्म है। इंटरनेशनल राउडी नाम से इसका हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल है। इस फिल्म का कंसेप्ट वाकई बहुत कमाल का है। फिल्म में हीरो और विलन की चैलेंजिंग फाइट दिखाई गई है। फिल्म की स्टोरी एक सस्पेंडेड रॉ एजेंट को फॉलो करती है, जिसे एक मिशन पर भेजा जाता है। उसे एक वांटेड क्रिमिनल साइंटिस्ट को पकड़ना है, जो इलीगली एक ऐसी ड्रग सप्लाई करता है जिससे ह्यूमंस कुछ देर के लिए सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं। अब इस पावरफुल विलन को फिल्म का हीरो हरा पाता है या नहीं, जानने के लिए देखिए ये फिल्म। नंबर 3 पर है शूरवीर 2। 2017 में आई एक रोमांटिक साईफाई तेलुगु फिल्म है, जिसका ओरिजिनल टाइटल है ओका क्षणम, जिसका मतलब है 1 सेकेंड। इसका हिंदी डब्ड वर्जन शूरवीर 2 नाम से 2019 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म का कंसेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। इंडियन सिनेमा में ऐसा कंसेप्ट फर्स्ट टाइम ही दिखाया गया है। ये फिल्म 1954 की फेमस हॉलीवुड फिल्म रियर विंडो से हाईली इंस्पायर्ड नजर आती है। ये फिल्म पैरेलल लाइफ के कंसेप्ट पर बेस्ड है। पैरेलल लाइफ, पैरेलल वर्ल्ड जैसे हाई साईफाई कंसेप्ट्स को सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में इमेजिन किया जाता था, लेकिन इस इंडियन फिल्म ने साबित कर दिया है कि इंडियन मूवीज में भी ये पॉसिबल है। फिल्म की स्टोरी एक कपल जीवा और जोशना को फॉलो करती है, जिन्हें ये पता चलता है कि वो लोग पैरेलल लाइफ में हैं। और जब उनके पैरेलल लाइफ कपल्स में से एक की मौत हो जाती है, तब वो लोग उसी सेम इंसिडेंट सेम डेस्टिनी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर 2 पर है तुम्बाड़। 2018 में आई ये एक एक्सीलेंट हॉरर ड्रामा फिल्म है, जो अपने रिलीज टाइम पर अननोटिस रही थी। इस हिंदी फिल्म का कंसेप्ट और स्टोरी दोनों बहुत कमाल के हैं। ये आज तक बनी सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म्स में से एक है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर और उसकी फैमिली को फॉलो करती है, जिन्हें बहुत से बैड इवेंट्स फेस करने पड़ जाते हैं जब वो लोग एक शापित खजाने के लालच में आ जाते हैं। इस फिल्म की अमेजिंग स्टोरी, इसका स्क्रीन प्ले, विजुअल्स, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, सब ने मिलकर इसे एक यूनिक और बियॉन्ड इमेजिनेशन फिल्म बनाया है। ये एक्सीलेंट हिंदी फिल्म आप सबको जरूर जरूर देखनी चाहिए। मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तो। यही तो गुण है मुझमें। नंबर 1 पर है ओ। 2018 में आई ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म साइकोलॉजिकल इश्यूज और चाइल्ड अब्यूज, ड्रग अब्यूज जैसे बहुत से सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हुए एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी और यूनिक कंसेप्ट हमें दिखाती है। फिल्म का प्लॉट हॉलीवुड मूवी आइडेंटिटी पर लूजली बेस्ड है। ये फिल्म बहुत से कैरेक्टर्स आपको दिखाएगी, एक एस्पायरिंग टाइम ट्रैवलर, एक शेफ, एक ड्रग एडिक्टेड वेट्रेस, और भी बहुत से लोग हैं फिल्म की स्टोरी में जो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इन सब लोगों के बीच का स्ट्रेंज कनेक्शन फिल्म देखने के बाद आपको समझ आएगा। फिल्म की स्टोरी और कंसेप्ट तो अमेजिंग है ही, साथ ही लीड स्टार्स की परफॉर्मेंस भी अमेजिंग है, जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी और एंड तक आपको बोर नहीं होने देगी। दोस्तों, ये थी बेस्ट इंडियन मूवीज विद यूनिक कॉन्सेप्ट। ये सब मूवीज हिंदी में आप कहाँ देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। अगर वीडियो में कोई मूवी मिस हुई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही बेस्ट इंडियन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।